स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि टी वायरस की वजह से एक लड़की इन्फेक्टेड हो गई है और वो लड़की वहाँ पर एक पर्सन को काट लेती है, जिससे वायरस वहाँ पर इतनी तेजी से फैल जाता है कि वो सब के सब ही ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और अब पूरा टोक्यो सिटी उस वायरस की लपेट में आ चुका था। इसके बाद हमें कुछ गनमैन दिखाए जाते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और साथ साथ वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के ऑनर एल्बर्ट को भी इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि सिटी की सिचुएशन अब काफी बेटर हो गई है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन मेडिसिन और ड्रग्स की वो कंपनी थी जिसने ये टी वायरस बनाया, लेकिन तभी कोई उन गनमैन को मार डालता है और जब एल्बर्ट को ये बात पता चलती है कि मेरे साथियों यानी गन्समैन को मारा जा रहा है, तब वो अपने एरिया को सील करवा देता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की टोक्यो वाली ब्रांच भी दिखाई जाती है जो कि काफी बड़ी थी और उसमें जो लैब थी वो भी काफी बड़ी थी और जब एल्बर्ट को अपनी जान का खतरा होता है तो वो सिक्योरिटी को काफी स्ट्रिक्ट बना देता है, सारे गेट्स लॉक करवा दिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मूवी की मेन कैरेक्टर एलिस आती है और एलिस वहाँ पर अकेली नहीं होती बल्कि वो अपने डुप्लीकेट्स भी अपने साथ लाई थी। एलिस के डुप्लीकेट्स उनकी सिक्योरिटी को तोड़ देती हैं और सब सिक्योरिटी गार्ड्स को जान से मार डालती हैं और अब वो लोग एल्बर्ट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एल्बर्ट जो कि काफी स्मार्ट था, उसने पहले ही सारी प्लानिंग की होती है। असल में उसने उस लैब में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब रखा हुआ था। सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक ऐसा बॉम्ब था जो एमरजेंसी की सूरत में पूरे ही लैब को तबाह कर सकता था और जब एल्बर्ट को ये पता चलता है कि एलिस के डुप्लीकेट उसे मारने आ रही है, तब वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और एलिस की सारे डुप्लीकेट्स उस ब्लास्ट में मारी जाती हैं। लेकिन असली जो एलिस होती है वो स्मार्ट प्लानिंग करते हुए जहाज में भी पहुंच चुकी थी और जब एलिस एल्बर्ट को मारने लगती है तब एल्बर्ट उसके गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से एलिस की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। उन दोनों की फाइट की वजह से उनका प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। लेकिन उस क्रैश प्लेन से एलिस खुद को बचा कर वहां से चली जाती है। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं और एलिस एक लोकेशन पर आर्केडिया नामी जगह के लिए निकल जाती है और जब एलिस वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि यहां पर तो बहुत ज्यादा प्लेन्स हैं लेकिन इंसान का कोई नामो निशान नहीं है, यानी जितने भी लोग यहां पर मौजूद थे अब वो यहां पर नहीं बसते। इस बात को लेकर एलिस काफी परेशान होती है और ये भी पता करवाने की कोशिश करती है कि आखिर वो सब लोग गए कहां पर हैं। इन सब मोमेंट्स और एलिस अपनी एक्टिविटीज को एक कैमरा में भी कैप्चर कर रही होती है, जैसे वो आज कहां गई, उसने आज क्या किया, क्या एक्सप्लोर किया और वो रिकॉर्डिंग में ये भी कह देती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेली ही सर्वाइवर रह गई हूँ। फिर एलिस को वहां पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है। जब एलिस उस हेलीकॉप्टर को चेक कर रही होती है तब उसे याद आता है कि ये तो वही हेलीकॉप्टर है जिसमें उसने अपने साथियों और बच्चों को भेजा था। तब वो उस हेलीकॉप्टर को चेक करने लगती है लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन किसी दूसरे प्लेन में उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो अपनी गन्स निकाल लेती है और उस प्लेन की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन उस प्लेन में से बैट यानी चमगादड़ निकलते हैं। लेकिन एलिस को अभी भी डाउट हो रहा था कि जरूर वहां पर कोई ना कोई है और वो और ज्यादा चेकिंग करने लगती है और उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जो अजीबोगरीब हरकतें करते हुए एलिस पर अटैक कर देती है और जब एलिस उसे शूट करने लगती है तब वो देखती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी साथी एक फीमेल सोल्जर है और उसके ऊपर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक स्पाइडर डिवाइस लगी हुई थी। एलिस उसकी बॉडी से वो डिवाइस रिमूव करती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है और मैंने तुम्हारे साथ और लोगों को भी भेजा था, वो कहाँ पर है। लेकिन उस फीमेल सोल्जर की मेमोरी लॉस हो चुकी थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर एलिस क्या कह रही है। एलिस ये सोचती पर मजबूर हो जाती है कि इसके साथ जरूर कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, तभी इसका ऐसा हाल है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। और वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चली जाती है और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब उन्हें जेल की एक छत पर कुछ सर्वाइवर्स नजर आते हैं जो उनसे हेल्प मांग रही थी और एलिस उनकी छत पर अपना प्लेन उतारती है। एलिस प्लेन से उतरती है और उन सर्वाइवर्स से मिलती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और फीमेल सोल्जर के बारे में बताती है कि मेरे साथ वो भी है। वो कहती है कि मैं एक लोकेशन आर्केडिया की तरफ जा रही हूँ, आप लोगों को देखा कि हेल्प की जरूरत है तो मैं यहाँ आ गई। तब वहां पर खड़ा हुआ एक पुलिस ऑफिसर एलिस को बताता है कि आर्केडिया कोई जगह नहीं है बल्कि वो एक शिप है जो ऑलमोस्ट यहाँ
यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तब एलिस कहती है कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि नीचे काफी ज्यादा जोम्बिस है और उनके बीच से निकलना तो इम्पॉसिबल है। वो लोग एलिस को एक प्रिजनर से मिलवाते हैं। एलिस उस प्रिजनर से मिलती है और पूछती है कि इन लोगों ने तुम्हें प्रिजनर बनाकर क्यों रखा हुआ है, जिस पर वो प्रिजनर जवाब देता है कि मैं इसी जेल का सोल्जर था और मैंने कैदियों को आजाद करवाने की कोशिश की ताकि वो भी जोम्बिस के खिलाफ लड़ सके, लेकिन उनमें से कुछ कैदी ऐसे थे जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया, लेकिन मैं यहाँ से निकलने का रास्ता भी जानता हूँ और अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगे तो मैं तुम लोगों को सेफली उस शिप तक पहुँचा सकता हूँ। इतनी ही देर में वहाँ पर एक सर्वाइवर आ जाता है और वो कहता है कि इसकी बातों को इग्नोर करो। एलिस जब वॉशरूम में जाती है तो उस वॉशरूम की सीलिंग तोड़कर एक ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है जो कि काफी खतरनाक नजर आ रहा था और वो ज़ॉम्बी उन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एलिस अपनी गन निकालकर उसके सर पर शूट कर देती है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी मर जाता है और उसके अंदर से बहुत सारी कॉइन्स निकलते हैं। ये देखकर वो सर्वाइवर एलिस को कहता है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो। तब एलिस उसे अपने वेपन्स दिखाते हुए कहती है कि इन ज़ॉम्बीज को मारना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं इनको मारती आ रही हूँ और ये मेरी आदत बन चुकी है, मैंने इतने ज़ॉम्बीज मारे हैं कि मैं अब ट्रेन हो चुकी हूँ। तभी हम वहाँ पर एक बड़े और काफी खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर को देखते हैं। वो मॉन्स्टर जेल के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो ज़ॉम्बीज सर्वाइवर्स को मार डाले, लेकिन एलिस क्योंकि जानती थी कि उस प्रिजनर को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है तो इसीलिए वो उसे आजाद कर देती है और उसे पूछती है कि अब हमें बताओ कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ से है। वो कहता है कि इस जेल के ग्राउंड फ्लोर पर एक काफी बड़ा टैंक खड़ा हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 20 लोगों के बैठने की जगह है और हम लोग उसमें बैठकर शिप तक जा सकते हैं। जब वो लोग टैंक को निकालने जाते हैं तब वो देखते हैं कि टैंक के अंदर तो इंजन फिट ही नहीं है बल्कि वो इंजन टैंक के ऊपर ही पड़ा हुआ था। ये देखकर एक सर्वाइवर को इतना गुस्सा आता है कि वो उस प्रिजनर को शूट करके मार डालता है और बाद में वो एलिस के प्लेन में बैठकर वहां से निकल भी जाता है। मॉन्स्टर जो कि जेल का दरवाजा तोड़ चुका था और सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगे थे, वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उन गोलियों से ज़ॉम्बीज को कुछ भी नहीं होती। तभी एक सर्वाइवर कहता है कि हमें यहाँ से जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड केव का सहारा लेना चाहिए जो कि इसी पुलिस स्टेशन में है और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसी अंडरग्राउंड केव्स के जरिए आर्केडिया तक पहुंचेंगे। सब सर्वाइवर्स तो उस केव के जरिए निकलने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन एलिस वहां फंस जाती है और इतनी देर में वो मॉन्स्टर भी वहां पर आ जाता है जो कि एलिस पर अटैक कर देता है। एलिस उस मॉन्स्टर से बचने की काफी कोशिश करती है लेकिन उस मॉन्स्टर के पास एक काफी बड़ा हथियार था और यहाँ पर एलिस हारती हुई ही नजर आ रही थी। तब एलिस की हेल्प करने उसी की साथी फीमेल सोल्जर वहां पर आ जाती है और वो मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर एलिस उसके सर पर शूट करने में कामयाब हो जाती है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है और उसके सर में से बहुत सारे कॉइन्स निकलते हैं और वो दोनों भी उस केव में चली जाती है। वो लोग केव से गुजरते हुए एक रास्ते पर पहुंचते हैं लेकिन एक सर्वाइवर को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। एलिस अपने बाकी साथियों को लेकर एक बोट में बैठती है और वो लोग आर्केडिया की तरफ बढ़ते हैं और जब वो लोग आर्केडिया पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि आर्केडिया की तरफ से भेजी गई रेडियो ट्रांसमिशन जिसमें ये कहा गया था कि सर्वाइवर्स यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर खाना पानी मौजूद है, वो 3 दिन पहले की ट्रांसमिशन थी और जिन्होंने भेजा था वो लोग भी यहाँ पर नहीं थे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो उस शिप की रिकॉर्ड चेक करती है। तब एलिस को पता चलता है कि तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग जो अभी भी इस शिप पर जिंदा है, मगर एलिस को ये पता नहीं चल पाता कि आखिर वो है कहाँ पर। ये बात जानने के लिए एलिस और शिप के बेस ग्राउंड में जाती है और वो वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का लोगो देखती है जिसे उसे पता चल जाता है कि ये बोर्ड भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बनाई गई है और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने ये फेक न्यूज फैलाई थी कि सर्वाइवर्स यहाँ पर आ जाएं और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जो लोग यहाँ पर आए वो उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके। और जब एलिस को ये बात पता चलती है तब उसे काफी गुस्सा आता है और वो उन लोगों को वहां से निकालने की कोशिश करती है। जब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तब एलिस को उसकी पुरानी फीमेल सोल्जर नजर आती है और उसके सीने पर भी सेम स्पाइडर डिवाइस लगाई गई थी। एलिस उस डिवाइस को रिमूव करती है और उन लोगों की जान बचाती है और इतने ही देर में वहां पर एल्बर्ट आ जाता है और ये सारा किया धरा किसी और का नहीं एल्बर्ट का था, यानी इस सब प्लानिंग के पीछे एल्बर्ट का हाथ था। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि एल्बर्ट का प्लेन तो क्रैश हो गया था तो वो जिंदा कैसे बचा। असल में एल्बर्ट के अंदर भी वो टी वायरस है जो एलिस के अंदर है जिसकी वजह से वो मरा नहीं था बल्कि वो
वो इस शिप में आ गया। और यहाँ पर एलिस और एल्बर्ट के बीच काफी बड़ी फाइट होती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे पर काफी भारी पड़ जाते हैं, लेकिन एलिस एल्बर्ट का सर फोड़ने में कामयाब हो जाती है, जिससे एल्बर्ट की मौत हो जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और एलिस को पता था कि ये एल्बर्ट के साथ मिला हुआ है, और वो उसे वहीं पर बंद करके वहाँ से चली जाती है। एल्बर्ट जो कि ज़ॉम्बी बनके उस आदमी को खा लेता है और खुद को रिजनरेट कर लेता है और एक प्लेन लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब लगाया हुआ था, जिसे वो ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन इस बार ये बात एलिस को पता चल जाती है। लेकिन एलिस यहाँ पर समझदारी का मुजाहिरा ये करती है कि वो उस सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब को एल्बर्ट के हेलीकॉप्टर के साथ लगा देती है, और एल्बर्ट जब उस बॉम्ब का बटन प्रेस करता है तब उसका हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। लेकिन एल्बर्ट इस ब्लास्ट से भी बचने में कामयाब हो जाता है, यानी एल्बर्ट अभी भी नहीं मरा होता। और दूसरी तरफ एलिस उन सब लोगों की जान बचा लेती है और वो लोग काफी खुश होते हैं। वो लोग इतने खुश हो जाते हैं और ये समझते हैं कि एलिस ने उनको एक नई जिंदगी दे दी है। एलिस फिर से रेडियो ट्रांसमिशन एक्टिवेट करती है और वो मैसेज भेजती है कि जितने भी लोग सर्वाइवर्स हैं वो आर्केडिया में आ जाएं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे और हम आप लोगों को खाना पीना प्रोवाइड करेंगे। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एलिस की वो ट्रांसमिशन सुनकर बहुत सारे ड्रोन्स वहां पर आ जाते हैं और उनकी शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है।